बीए प्रथम वर्ष में अपना राजनीतिक दल वाला चैप्टर चल रहा है। राजनीतिक दल जिसके गठन, जिसकी हमने विशेषताओं पर कल हमने चर्चा की, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विश्व में यानी पूरे संसार के अंदर कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था है, और दूसरी चीज ये बताएंगे कि दलों के कार्य कौन कौन से हैं, कि जो दल हैं यानी राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से काम करते हैं। जिस दल के बारे में आपने जाना कि दल लोकतंत्र के प्राण हैं, आधार स्तंभ हैं, दलों के बिना शासन नहीं चलता है, दल तो चुनावों के संचालन के लिए, सरकार बनाने के लिए, शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दलों का यानी राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है, ये चीज हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि विश्व में कौन कौन सी दलीय व्यवस्था है, अपने देश में कैसी है और देशों में कैसी है, तो कैसी दलीय व्यवस्था विभिन्न देशों में व्याप्त है। तो विद्यार्थियों, आप मैं समझ रहा हूं कि इस राजनीतिक दल वाले चैप्टर को अच्छी तरीका से समझ रहे होंगे। दलों के बारे में हम पहले भी परिचित हैं कि जो दल हैं अपने लोकतंत्र में देखने को मिलते हैं। दलों में आप देखते हैं कि चुनाव के समय प्रचार प्रसार भी होता है, टिकट वितरण का काम भी होता है, समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी होता है, चुनाव रैलियां हैं, मंचों का आयोजन करना है, ये सब चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में या यूँ कहें कि व्यावहारिक जीवन में देखते हैं। आज हम उसी चीज़ को सैद्धांतिक रूप से यहाँ पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि विश्व के अंदर कैसी दलीय व्यवस्था है। तो विद्यार्थियों, हम दलीय व्यवस्था की जब बात कर रहे हैं, पार्टी सिस्टम की बात जब हम कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था विश्व में है। तो हम बात करें तो तीन प्रकार की दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। पहली जो दलीय व्यवस्था का नाम है या एक तरह की जो दलीय व्यवस्था है वो होती है एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम। दूसरी होती है कि कहीं एक दलीय नहीं है तो कहीं दो दलीय व्यवस्था होती है, टू पार्टी सिस्टम होता है। और बहुत सारे देशों में या ज्यादातर देशों में जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय व्यवस्था। तो यहाँ हम जब बात करें कि एक दलीय व्यवस्था क्या होती है और कौन से देश में है, तो एक दलीय व्यवस्था का जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण यदि आज देखने को मिलता है विश्व में तो वो है चीन, चीन गणराज्य। आज जो चीन है, साम्यवादी जो चीन है, वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ एक दल का शासन है, एक दल है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सारे शासन का संचालन एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी करती है। तो एक दलीय व्यवस्था यदि कहीं है तो विश्व में वो है चीन, जहां पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल। तो ये एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। अब बात करें कि एक दलीय व्यवस्था होती क्या, नाम से लग रहा है कि एक दलीय व्यवस्था में प्रमुख भूमिका या प्रमुख रूप से एक ही दल होता है। वैसे और भी दल हो सकते हैं लेकिन और दलों का अस्तित्व नाम मात्र का ही होता है, और सत्ताधारी जो दल होता है वो एक ही होता है। एक ही दल में क्या है कि विभिन्न व्यक्तियों के पास सत्ता आती जाती रहती है, तो एक दल सर्वे सर्वा होता है, सर्वोपरि होता है, और उसमें जो दलीय जो अनुशासन है वो कठोर होता है। सीधी सी बात है, जब एक ही दल है तो कठोर अनुशासन होगा, एक दलीय व्यवस्था में कठोर अनुशासन होता है और कार्यकर्ताओं के लिए क्या है कि थोड़े नियम जटिल होते हैं। दूसरी है कि इसमें सदस्यता जटिल होती है, हर व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता है, इसमें जो रूल्स होते हैं वो कठिन होते हैं और उनका पालन करेंगे तभी कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में जुड़ सकता है या एक दल का जो सदस्य है वो बन सकता है। तो दलीय व्यवस्था बहुत कठोर है, कठोर नियमों का पालन करना होता है, यदि उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो दल उसको निष्कासित भी कर देता है और यो कहे कि व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है। तो क्या जाना कि एक दलीय व्यवस्था होती है, चीन में है, लेकिन वहाँ जो दल में शामिल होने के लिए क्या है कि नियम कठोर होते हैं, पाबंदियां होती हैं, ज्यादा सख्त होते हैं। दूसरी बात हम देखें तो वह है द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था नाम से लग रहा है कि दो दल होते हैं और प्रमुख रूप से यो मानो कि जनता को दो में से एक दल का चयन करना होता है, और जिस दल को बहुमत मिल जाता है वो तो सत्ता प्राप्त कर लेता है, जिस दल को बहुमत नहीं मिलता है वो विपक्ष में रहता है। इस तरीका से ये दो दलीय व्यवस्था होती है। ये एक तरीका से यदि कहीं देखने को मिलती है, और इसके यदि श्रेष्ठ उदाहरण यदि हम बताएं तो वो है एक तो ब्रिटेन
और दूसरा देश यदि है वो है अमेरिका। अभी आपने देखा अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसमें रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दो दलों ने भाग लिया, दो ही प्रमुख दल है वहां पर, दो दल व्यवस्था है। ऐसे ही ब्रिटेन में दो दल हैं, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और एक का नाम है लेबर पार्टी, जिसको हम कहते हैं मजदूर दल, और एक होता है अनुदार दल। तो ये दो दल है वहां पर, दो दलीय व्यवस्था है। वैसे यदि हम शासन व्यवस्था के अच्छे रूप को यदि देखें किसी व्यवस्था के अंदर या दलीय पार्टी के अंदर, तो वो जो हमें अच्छा रूप देखने को मिलता है वो दो दलीय व्यवस्था में ज्यादा देखने को मिलता है। दो दलीय व्यवस्था अच्छी मानी जाती है, कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र के लिए ज्यादा अच्छी है दो दलीय व्यवस्था। तो दो दलीय व्यवस्था में दो दल होते हैं, एक सत्ता में होता है एक विपक्ष में होता है। चुनावों में जनता को दो में से एक का चयन करना होता है, जिसको बहुमत मिलता है वो सत्ता में आ जाता है, नहीं मिलता है वो विपक्ष में रहता है। दो दलीय व्यवस्था होती है, कहने का मतलब ये हुआ। जो प्रमुख रूप से उदाहरण यदि हम यहाँ देखें तो ब्रिटेन में और कहाँ है, अमेरिका में है। ब्रिटेन में दो दल है, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और एक का नाम है लेबर पार्टी, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दो दल हैं, एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक का नाम है रिपब्लिक पार्टी, ठीक है विद्यार्थी। आगे हम बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था। ये बहुदलीय व्यवस्था नाम से ही लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा दल होंगे, बहुत ज्यादा दल होते हैं, और कुछ दल तो इसमें राष्ट्र स्तर के होते हैं, कुछ इसमें क्षेत्र स्तर के होते हैं, और कुछ पंजीकृत दल भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था होती है। और बहुदलीय व्यवस्था की यदि श्रेष्ठ उदाहरण यदि हम देखें तो फ्रांस है, भारत भी है, भारत भी बहुदलीय व्यवस्था में, अपने देश में बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ बहुत सारे दल हैं, आपको भी पता है, कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, सपा है, सीपीआई है, सीपीएम है, तेलुगु देशम है, ये सब दल हैं, पार्टी हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था है अपने देश में। तो बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, एक इसकी बड़ी जो समस्या जो देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि शासन इसमें स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि मान के चले किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, कई कई दलों की मिला करके सरकार बनती है, गठबंधन सरकार बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो बीच में ही टूट जाती है, बिखर जाती है, विघटन हो जाता है और सरकार गिर जाती है, मध्यावधि चुनाव कराने पड़ते हैं। तो ये सरकार स्थिर नहीं रह पाती है, यहाँ एक तरीका से इसे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं माना जाता है, इतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना कि द्विदलीय व्यवस्था को माना जाता है। तो द्विदलीय व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, इसमें स्थिरता भी है, इसमें दो में से एक का चयन करना होता है, ये लोकतंत्र के ज्यादा अनुकूल भी है और ये ज्यादा कारगर भी है, उपयोगी भी है, ज्यादा हितकारी है, एक तरीका से यूं मान के चलो आप। तो अब तक हमने क्या जाना कि तीन दलीय, तीन प्रकार की व्यवस्था होती है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। एक दलीय चीन, द्विदलीय ब्रिटेन अमेरिका, और बहुदलीय में ज्यादातर देशों में बहुदलीय है, भारत हुआ, फ्रांस हुआ। ये जो बहुदलीय व्यवस्था के अच्छे उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरणों में इनकी गिनती होती है। तो ये तो हमने दलीय व्यवस्था की बात की, अब हम बात करते हैं दलों के कार्य, वर्क ऑफ पार्टी। दल के कार्य क्या है, कौन कौन से कार्य दल को करने होते हैं, आपको पता है राजनीतिक जो दल होते हैं एक काम तो उनका होता नहीं है, बहुत व्यापक कार्य उनको करने होते हैं, लगा करके चुनावों के संचालन से लेकर के प्रचार प्रसार करने तक, जनमत जुटाने तक, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने तक, शासन के संचालन करने तक, बहुत ज्यादा कार्य दलों को करने होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि दलों के कार्य, पहला कार्य है शासन का संचालन करना। सीधी सी बात है, अभी बताया कि जिस दल को बहुमत मिलता है वो तो सरकार बना लेता है, शासन का संचालन करता है, और जिस दल को बहुमत नहीं मिलता है विद्यार्थियों, वो दल विपक्ष में रह करके सरकार की एक तरीका से यूं कहें गलत नीति होती है तो उनकी बुराई करता है, निंदा करता है और अच्छी नीति की प्रशंसा करता है। यह होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि अड़ंगा की नीति अपनाते हैं, चाहे सत्ताधारी दल अच्छा काम करे बुरा काम करे, विपक्ष का काम तो बस रोड़ा अटकाना है, बाधा डालना है, सरकार में व्यधन पैदा करना, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये शासन का संचालन करते हैं, कहने का मतलब ये है कि शासन चलाते हैं, सत्ताधारी दल बहुमत प्राप्त कर लेता है, अपना मंत्रिमंडल बनाता है, पीएम बनता है, उसमें से शासन चलाया जाता है, ठीक है।
तो सत्ताधारी दल जो जिसको सत्ता मिल जाती है वो शासन का संचालन करता है। तो ये पहला काम, प्रमुख काम दल का हुआ। दूसरा हम बता रहे हैं कि आलोचना करना। आलोचना किसकी? शासन की नीतियों की आलोचना करना। अभी बताया जो दल विपक्ष में आ जाता है को मत नहीं मिलता है वो आलोचना का काम करता है, क्योंकि उसको पता है यदि हम सरकार की गलत नीतियों को महत्व देंगे तो क्या है कि आगे हमें चुनाव लड़ना है, जनता हमको वोट नहीं देगी। तो उसका काम ये होता है कि जनता के लिए अच्छे नियमों का समर्थन करें, और एक तरीका से सरकार की जो गलत नीति अपनाई जा रही है, यदि सरकार गलत कार्य भी कर रही है, निरंकुशता अपना रही है, तो उसमें ये क्या करती है, एक तरीका से आलोचना का काम भी किया जाता है। तो विद्यार्थियों क्या जाना कि दलों का एक काम शासन की गलत नीतियों की निंदा करना, बुराई करना, आलोचना करना है। एक काम अगला है चुनावों का। हाँ देखो ये थोड़ा दोबारा रिपीट हो गया है। अगला काम है इसका लोकमत का निर्माण करना। लोकमत यानी जनमत, जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत का मतलब ये है कि जनता का समर्थन पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बने, ज्यादा से ज्यादा सदस्य जुड़े, पार्टी से जुड़े। तो ये काम ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये लोकमत निर्माण का काम दल करते हैं, ताकि पार्टी का बहुमत बन जाए, पार्टी को वर्चस्व मिल जाए और पार्टी सत्ता में बनी रहे, या विपक्ष में तो वो सत्ता में आ जाए। इसलिए चाहे वो सत्ताधारी दल है, चाहे वो विपक्ष में दल है, सब काम यही करते हैं कि वो लोकमत को जुटाएं, जनमत को पक्ष में करें, ताकि जनता उससे ज्यादा प्रभावित हो, नीतियों का समर्थन करे। ये काम इसका देखने को मिलता है विद्यार्थियों। अगला काम है इसका दलीय कार्य। पार्टी के लिए भी काम करने होते हैं। पार्टी के लिए एक तरीका से अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाना है, पार्टी के लिए सभा मंच रैलियों का आयोजन करना है, पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करना है, पार्टी के जो एजेंडा है उसको फॉलो करना है। तो ये सब दलों के काम है। अपने नेताओं का चुनाव करना है क्षेत्रीय स्तर पर और प्रांत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का चयन करना होता है। तो ये दलों के भी काम हो जाते हैं, अपना चुनाव भी करना होता है इसमें। तो एक तरीका से पार्टी सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि बड़े स्तरीय नेताओं का चुनाव होता है। शासन जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है। दल का काम क्या है? जो शासन व्यवस्था है और आम जनता है, उन दोनों के बीच समन्वय करना होता है, तालमेल बैठाना होता है। आपको पता है सरकार और एक तरीका से भी एक तरीका से जनता के बीच कड़ी का काम कौन करते हैं? दल करते हैं। कैसे? सरकार ने कोई कार्य किया, कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, कोई योजना लॉन्च की, वो जनता तक कैसे आएगी? दल के माध्यम से आएगी। सरकार अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी, दल के माध्यम से पहुंचाएगी। और जनता की क्या प्रतिक्रिया है, जनता क्या चाहती है, जनता को कौन सी आवश्यकता है, इन सबको सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? दलों के द्वारा होता है। तो दल का काम क्या हो गया? जनता की शिकायतों को सरकार तक लाना और सरकार के कार्य को जनता तक लाना, ये दल का काम है। वो किसका काम है? दल का काम है। तो दल जोड़ रहा है, दोनों को पुल का काम कर रहा है। जनता के और सरकार के बीच यदि पुल का काम कर रहा है कोई, तो वो कौन करता है? पार्टी करती है, दल करता है। तो ये दोनों को जोड़ने का भी काम करता है। आगे है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य भी किए जाते हैं। एक चीज यहाँ देखने को मिलती है कि जो दल होते हैं वो क्या है कि समाज की बुराई है, समाज में कोई रूढ़ी पनपी हुई है तो उनको दूर करने का भी काम करते हैं। समाज में हमने देखा कि जैसे मद निषेध के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, गो हत्या पर प्रतिबंध की बात यहाँ दल करते हैं। तो ये क्या है कि जो काम कैसे हो गए? सामाजिक हो गई, सांस्कृतिक काम हो गई। और काम है कि इसकी राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, जनता को प्रशिक्षण देते हैं कि वोटिंग कैसे करनी है, कैसे उनको अपने क्षेत्र के अंदर वर्चस्व कायम करना है। तो ये राजनीतिक स्तर की काम हो जाती है, प्रशिक्षण देना होता है एक तरीका से। और एक काम और भी हो जाता है, वो है सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करना। सार्वजनिक नीति कि जनता के लिए कौन सी नीति है, जनता क्या चाहती है, वो सब नीति निर्धारित होती है। कहाँ से होती है? दल से होती है।
दल चाहते हैं फिर ये इसके लिए कानून बने, विधानमंडल में बने, संसद में बने। तो सार्वजनिक नीति का निर्धारण कहाँ से होता है? दलों से होता है, दल करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ दलों के। हमने देखे कि जो दल है वो कौन कौन से काम करते हैं और दलीय व्यवस्था किस प्रकार से शासन का संचालन करती है, किस तरह के एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय व्यवस्था विभिन्न देशों में आज चल रही है। तो यहाँ हमने दल का अर्थ परिभाषा जान लिया और आज हमने क्या जान लिया कि दलीय व्यवस्था कैसी है और कौन कौन से दलों के काम है। तो बहुत सरल है, आसान है, पॉइंट जब बिंदु याद हो गए तो लिखने की तो आप बहुत अच्छी तरीका से डिटेल लिख सकते हैं। तो ये दलों के काम है, ये उनकी दलीय व्यवस्था है। तो प्रश्न कैसे आता है, राजनीतिक दल क्या है, इनके कार्य की विवेचना कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, आता रहता है पेपर में। तो आज इतना ही।